नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा बेलून मोली फिश के बारे में, जिसको हम मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि कुछ टाइप्स ऑफ मोलीज के बारे में वीडियो था, जिसमें कि कुछ कुछ जो मोलीज है जो कि प्रीमियम लुक में आते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा ये जो बेलून मोली फिश है इसको रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और इसकी जो प्रोसेस है क्या क्या है आपको जानना जरूरी है, उसी के बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको क्या करना है, साइड में देखिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है, उसको क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल का आइकन है उसको भी दोबारा मत भूलना। तो वो नोटिफिकेशन बेल है उसको आप इनेबल कर दीजिएगा, तो क्या होगा, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको हम यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स में जो जानते हैं हमारा बेलून मोली फिश को रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखना पड़ेगा और भी बहुत सारे चीज़ें। ठीक है दोस्तों, ये जो फिश है ये एक फ्रेश वाटर फिश है, पहली बात आपको बता दूँ। तो फ्रेश वाटर फिश क्या होता है, आप नॉर्मल जब का घर का पानी होती है नल का, उस पानी में आप इस फिश को जो है आपका रख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो मीठे पानी होती है उसमें इसको आप रख सकते हैं। तो इसका कुछ हम एक रेटिंग दें, जैसे इसका केयरिंग लेवल आपको कितना आना चाहिए। तो आपका केयरिंग लेवल जो है आप पहले से एक्वेरियम आपके पास है, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इस फिश को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज पहली बार आप एक्वेरियम का स्टार्ट मतलब आप कर रहे हैं या आपका जो हॉबी आप स्टार्ट कर रहे हैं एक्वेरियम का, तो भी बिल्कुल ये फिश को आप ला के रख सकते हैं, आप स्टार्टिंग इस फिश से आपका कर सकते हैं। ठीक है, आप चलिए बात करते हैं इनकी जो बिहेवियर होती है दोस्तों ये किस टाइप के होते हैं। दोस्तों ये जो बेलून मोलीज होती हैं इनके बिहेवियर बिल्कुल भी शांत होती है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है मतलब आप जो मोलीज है इनको आप उन्हीं के साथ मतलब मोलीज की जो अलग अलग वेराइटीज़ है उन्हीं के साथ रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये बेलून मोली जो है ये कलर कौन कौन से में अवेलेबल होते हैं जो मार्केट में ज़्यादातर होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है ब्लैक कलर में अवेलेबल होते हैं, वाइट में और येलो कलर में ये फिश अवेलेबल होती है। ठीक है, और इनके लिए कुछ चीज़ें मैं वाटर कंडीशन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक टेम्परेचर जो आता है और आपका जो है केज वैल्यू होती है और पीएच वैल्यू होती है। आप समझ लीजिए जो टेम्परेचर है आपका वो करीबन आपका 68 से लेके 82 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए और आपका जो पीएच वैल्यू है वो आपका 7.0 से लेके 7.8 तक 7.0 से लेके 7.8 तक होना चाहिए। और जो आपका केज वैल्यू है मतलब जो पानी का जो हार्डनेस है वो आपका जो है 10 से लेकर 25 तक होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये पैरामीटर्स जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा इस फिश को रखने के लिए। आपका पैरामीटर्स आप इधर उधर गड़बड़ करते हैं तो आपका हो सकता है फिश को कुछ डिजीज हो, ठीक है, या आपका फिश ज़्यादा टाइम तक लंबा समय तक जो है मतलब सर्वाइव ना कर पाए, कुछ इश्यूज होती है। ठीक है, जो पीएच मैंने आपको बताया ना ये सारे बहुत सारे चीज़ें होता है दोस्तों, जिसकी मैंने आपको शॉर्ट एक क्विक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन बहुत सारे जिसमें पानी में आपका जो है नाइट्राइट होता है, ठीक है, नाइट्रेट होता है जिसको हम NH3 बोलते हैं, NH4+ बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली एमोनिया भी बोलते हैं, माने पानी में बहुत सारा चीज़ें की वजह से आपका फिश जो दोस्तों वो मरती है। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको जो बताया ये क्विक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, हमेशा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपका फिश को आपका हॉबी स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, आप चलिए बात करते हैं ये फिश जो है आपका कितने बड़े होते हैं मतलब इनकी साइज़ कितनी बड़ी होती है। तो दोस्तों बता दूँ ये करीबन 3 इंच तक जो है ये बड़ी होती हैं। ठीक है, अब ये फिश की जो ओरिजिन होती है मतलब ये कहाँ से एक्चुअल में मिलता है, तो दोस्तों बता दूँ ये जो ओरिजिन होता है ज़्यादातर जो फिश होते हैं ना ये आपको या तो इम्पोर्ट किया जाता है या तो जो है मतलब फार्मिंग करते हैं, तो ज़्यादातर ये मतलब आउट ऑफ कंट्री से भी आता है और हमारा जो है इंडिया से भी ये आते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो फिश आते हैं दोस्तों वो क्या है फ्लोरिडा से आते हैं, मैक्सिको है, आपका अलग अलग कंट्री से ये इम्पोर्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तो क्या है इसकी कल्चर भी मतलब स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया में भी तो करते ही हैं लोग, लेकिन मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ये क्या बाहर से ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता है इस फिश को। ठीक है, आप बात करते हैं दोस्तों इस फिश को रखने के लिए आपका पहली जो है वो टैंक का साइज़ क्या होना चाहिए। तो 30 गैलन टैंक का साइज़ आपका होना चाहिए। 1 गैलन जो होता है दोस्तों वो 3.78 लीटर होती है, तो 30 गैलन के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए करीबन 90 लीटर के आसपास, मतलब आपका जो 2 फीट या 2.5 फीट का जो एक्वेरियम है और 1 फीट हाइट है 1.5 फीट का चौड़ाई या 1 फीट का चौड़ाई, तो इस टैंक में आप बिल्कुल ये फिश को जो है ये रख सकते हैं। और इनकी लाइफ जो होती है वो कितना टाइम तक होता है दोस्तों, ये 3 से लेके आपको बता दूँ 5 साल तक जो है आपका एक्वेरियम में ये जिंदा रह सकते हैं। और इनकी लाइफ जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह उनका केयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है उनकी फीडिंग, ठीक है, और सारा चीज़ें मतलब आपका एक्वेरियम का मेंटेन कैसे कर रहे हैं और आपका फिश का मेंटेनेंस आप कैसे कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ को मैटर करता है ये फिश को
लाइफ को लेकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मोलीज के जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिजीज होती हैं उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपका फिश जो मरती भी है वो क्यों मर जाती है उसके बारे में एक कम्प्लीट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। अलग अलग जो पैरामीटर्स है वो सारा चीज के बारे में एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।